तो राजा नहीं था, आप नारा लगाते हैं ना, राजा नहीं फकीर था, इसीलिए वो साथी और राजा नहीं था फकीर था वो फकीर, तो रात को 9:30 बजे भी अपनी प्रजा की समस्या को अपने बेडरूम में सुनता था, क्योंकि राजा साहब ने कभी भी सचिवालय कर्मचारी को एक आम कर्मचारी नहीं समझा, वो इस सचिवालय को अपना परिवार मानते थे। मैं आपसे एक बात साझा करना चाहता हूं साथियों, 2017 की बात है, हमारा कैबिनेट में एक मैटर लगा था, कुछ साथी मेरे पास आए, वो कहने लगे कि कल हमारा मैटर लगा है, हमने राणा साहब से मिलना है। तो मैंने कहा साहब 9 बज चुके हैं, आराम कर रहे होंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, लेकिन उन्होंने जिद पकड़ी और हमने भी ठानी, मैं कहा चलो ठीक है हम चलते हैं। हम उनके दरबार में गए, वो अपने बेडरूम में आराम कर रहे थे, मेरे साथ मेरी एसोसिएशन के लोग हैं, पिछली एसोसिएशन में जो मेरे साथ थे उसमें एक जनरल सेक्रेटरी भी थे और बाकी मिलाप जी जो पिछली एसोसिएशन मेरे साथ थे चानंद मेहता जी थे, 15 लोग हम गए, उनको अंदर से आवाज सुनाई दी कि कोई बाहर आया है। तो उन्होंने पूछा कि बाहर कौन लोग आए हैं इस टाइम, तो सिक्योरिटी वाले ने कहा साहब सचिवालय एसोसिएशन वाले आए। तो उन्होंने कहा इतनी देर ऐसा क्या काम पड़ गया, उनको बुलाओ कमरे में, बुलाओ मेरे बेडरूम में बुलाओ। सिक्योरिटी वाला हमारे पास आया, हमें कहने लगा कि आपको बेडरूम में बुलाया है। हम परेशान, अरे कोई बेडरूम में बुला सकता है, वो भी माननीय मुख्यमंत्री रात को 9:30 बजे, अरे पड़ोसी, हम किसी पड़ोस में जाते हैं, किसी भाई के घर जाते हैं, वो भी हमें को हमारे को ड्राइंग रूम में बिठाता है, लेकिन राजा साहब ने हमारे को बेडरूम में बुलाया। जैसे हमने स्टेयर चढ़ी उनके घर के अंदर की, फिर हमने पूछा सिक्योरिटी वाले को, अरे भैया आपको ठीक सुनाई दिया, बेडरूम में बुलाया है या ड्राइंग रूम में बुलाया है, कहते नहीं बेडरूम में बुलाया है। तो हम बेडरूम में गए, उन्होंने हमारी बात बात सुनी, तो कोई मुख्यमंत्री होगा पूरे हिंदुस्तान में जो रात को 9:30 बजे अपने कर्मचारी को अपने बेडरूम में उसकी क्या कहते समस्या को सुनता होगा। वो राजा नहीं था, आप नारा लगाते हैं ना, राजा नहीं फकीर था, इसीलिए वो साथी और राजा नहीं था फकीर था वो फकीर, जो रात को 9:30 बजे भी अपनी प्रजा की समस्या को अपने बेडरूम में सुनता था।